Hi guys, good evening all of you. Welcome to the session. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के सेशन में हम अपनी एनसीईआरटी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, बट बिफोर गोइंग टू दैट आपको बताना चाहूँगी हमारे नए इंट्रोडक्टरी ऑफर के बारे में. अभी 10% ऑफ है 3 मंथ्स के फ्री एक्सटेंशन के साथ. तो अगर अभी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी प्लस का, तो आपको टॉप 10 के रेफरल कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा. और साथ ही अभी आप काफ़ी अच्छी सेविंग कर सकते हैं, बिकॉज अभी 18 मंथ्स का एक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है जो कि 17,998 रुपीज़ में आपके पास है. और इसमें कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे आपको सारे फ्री में बुक्स मिलेंगे, 3 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा और फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेगी. ये जो ऑफर है ये 12 जनवरी तक वैलिड है. तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन, तो 12 जनवरी से पहले आप सब्सक्रिप्शन लीजिए. और अनअकैडमी के जो भी UPSC टॉपर्स हैं उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं. इस साल कई सारे लर्नर्स ने एग्ज़ाम को क्रैक किया और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं. UPSC CSE के नए बैचेस 12 तारीख से शुरू हो रहे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल बैचेस हैं. और फ्री में 20 GS बुक्स भी आपको मिल रही हैं. ऑप्शनल के सभी सब्जेक्ट्स हमारे जनवरी के मंथ में लॉन्च होंगे, जैसे कि PSIR, इकोनॉमिक्स, पबैट, हिस्ट्री, सोशियो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, PSIR, फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी. ठीक है, तो ये सारे हमारे अलग अलग प्रकार के सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स और चीज़ें हैं. ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस. या थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग. UPSC CSE का कॉम्बैट हर संडे 11 बजे होता है. अभी एक 9th of January को परसों सुबह 11 बजे होगा. इसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी एंड यू विल बी गेटिंग गुड स्कॉलरशिप. इसके अंतर्गत अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो फीस और भी कम हो जाएगी. ये लाइव टेस्ट होता है. और साथ ही आप अगर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. आप उस पर क्लिक करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. अब हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हुए डिस्कस करेंगे हमारा अगला चैप्टर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. इसमें हम इंडिया की फिजियोग्राफी के अनुसार जो फ्लोरा फाउना है इंडिया का, वो जानेंगे कि वो कैसा है. इसमें IUCN की जो रेड डाटा बुक लिस्ट होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे. साथ ही हम जानेंगे कि कौन कौन से कंजर्वेशन के मेथड्स हम अपना सकते हैं और उसके अंतर्गत फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड एनक्लास्ड फॉरेस्ट, इन सारी कम्युनिटीज़ की बात करेंगे. फिर हम लोग वाटर रिसोर्सेज डिस्कस करेंगे और इसके मैनेजमेंट को भी डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या इसके लिए किया जा रहा है और कैसे इसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है. अलग अलग जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उसकी बात हम लोग करेंगे, उनके लोकेशंस को देखेंगे और इसके हार्वेस्टिंग को लेकर के कैसे इंडिया आगे बढ़ रहा है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं ये भी जानेंगे. फिर अपना एग्रीकल्चर का भी एक चैप्टर है, वो भी कवर करेंगे और इंडिया के फार्मिंग सिस्टम्स को और अलग अलग प्रकार की फार्मिंग और क्रॉपिंग जो पैटर्न्स होते हैं क्रॉप्स के, वो सब जानेंगे. ठीक है, तो ये सारा हमारा आज का कंटेंट है जिसे कवर करेंगे आज हम लोग, और अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स की जो डिटेल्स हैं उसे भी कवर करेंगे. तो आई होप आप सभी इस नए सेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं. सो लेट मी नो गाइज इफ आई एम लाइव, इफ देर इज एनी प्रॉब्लम, मतलब आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू क्लियरली, प्लीज लेट मी नो. ये सारी स्लाइड्स हैं हमारी आज की, सो एक बार हम लोग गो थ्रू कर रहे थे. ठीक है, तो शुरू करेंगे सेशन को. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी चेक टेक्निकल थिंग्स फ्रॉम माई साइड. आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट. येस, गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग एवरीवन. कैसे हैं आप सब? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी 6th to 12th की NCERT सीरीज चल रही है और अभी हम लोग क्लास 10th की NCERT पर है और आज हम क्लास 10th के कई सारे चैप्टर्स कवर करने वाले, लाइक मेनी मेनी चैप्टर्स. ओके, येस, थैंक यू सो मच साई. अभी येस, हेलो गाइज, हेलो दौरजी, हेलो दिग्विजय, गुड इवनिंग मोहसिन. ओके मोहसिन अली, सलाम फ्रॉम पाकिस्तान. येस सलाम मोहसिन, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट.
चलिए आज तो हमारे पड़ोसी भी हमारे साथ हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वेरी नाइस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम फ्लोरा फाउना की। तो देखिए, जो भी हमारा पूरा इंडिया के अंतर्गत पूरा एंटायर हैबिटेट है जिसमें हम रहते हैं और अलग अलग प्रकार के फ्लोरा फाउना रहते हैं, वो हमारी बायोडायवर्सिटी को बनाते हैं और हमारी बायोडायवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। सो हम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब एक कॉम्प्लेक्स वेब बनाते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम का, जिसका हम एक हिस्सा हैं और काफ़ी हद तक हम इसमें डिपेंडेंट हैं और इसके साथ हमारी अपनी जो एग्जिस्टेंस है वो भी इस पे डिपेंडेंट है। तो इंडिया में दुनिया की रिचेस्ट कंट्री आप कह सकते हैं अगर आप इसके वास्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें। और हम लोगों के पास इतना ज़्यादा है कि आप माने कि काफ़ी कुछ तो ऐसा है जिसे येट टू बी डिस्कवर्ड माना जाता है। मतलब जितना बायोडायवर्सिटी हमारे पास है उसको अगर हम और डिस्कवर करें और उसमें और गहनता से उसका देखें तो ट्वाइस या थ्राइस नंबर ऑफ येट टू बी डिस्कवर्ड होगा। तो अब अगर हम लोग IUCN की बात करें तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज है। और ये जो बॉडी है ये क्या करती है ना कि क्लासिफाई करती है अलग अलग प्रकार के स्पीसीज को, और इस क्लासिफिकेशन से हेल्प मिलती है ये ध्यान देने में कि कौन से ऐसे स्पीसीज हैं जो वल्नरेबल हैं और कौन से ऐसे हैं जिन्हें बचाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली लिस्ट होती है नॉर्मल स्पीसीज की, जिसकी पॉपुलेशन बिल्कुल सही है, सर्वाइवल बहुत बढ़िया चल रहा है, जैसे कि कई सारे कैटल्स हैं, सैल है, पाइन, रोडेंट, ये सब जो है अलग अलग प्रकार के स्पीसीज हैं पेड़ पौधों के जो कि सही चल रहे हैं। ठीक है, कैटल्स की मात्रा भी हमारे पास अच्छी है और मवेशी जानवर वगैरह भी ठीक हैं। लेकिन फिर आते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज, जिनको थोड़ा सा डेंजर है, जो खतरे में है, जिनका सर्वाइवल थोड़ा डिफिकल्ट है, और अगर नेगेटिव फैक्टर कंटिन्यू रहे तो इनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी और फिर ऐसे स्पीसीज प्रॉब्लम में आ सकते हैं, जैसे कि ब्लैक बक का जो आप पॉपुलेशन देखे कम हो रहा है, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन, यू नो टेल्ड मैकिस एंड संगाई, ये सब जो है हमारे अलग अलग प्रकार के जानवर हैं जो कि यू नो कमज़ोर पड़ रहे हैं, और ये जो है हमें तब तक फील नहीं होता जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। बेसिकली जब तक उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है तब तक फूड चेन में उनके रोल को हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन जब वो एक्सटेंट हो जाते हैं तो फिर हम लोग पछतावा करते हैं क्योंकि उससे पूरा जो फूड चेन है वो डिसबैलेंस हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। कई सारे ऐसे स्पीसीज है जिन्हें वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो चुकी है और ऐसा हो सकता है कि वो और भी ज़्यादा खतरे में आ जाए। तो अगर नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू रहेंगे तो फिर उनकी जो प्रॉब्लम है बढ़ सकती है। तो ये वल्नरेबल स्पीसीज पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें कि आता है आपका ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट एंड गैंगेटिक डॉल्फिन। फिर आते हैं रेयर स्पीसीज जो कि बहुत रेयरली मिलते हैं, ये आप कहिए कि इसकी पॉपुलेशन और भी कम हो गई है, ठीक है, और अगर नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू रहे तो ये बिल्कुल गायब हो सकते हैं, जैसे कि हिमालयन ब्राउन बियर, एशियाटिक बफलो, डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल, ये सब। अब आते हैं एंडेमिक। एंडेमिक ये होते हैं जो कि अब कुछ ही एरियाज में मिलते हैं, आइसोलेटेड बाय द नेचर या ज्योग्राफिकल बैरियर से जो अलग हो रखे हैं, जैसे कि अब अंडमान टील है तो अंडमान निकोबार में ही पाया जा रहा है, निकोबार पीजन्स हैं, अंडमान वाइल्ड पिग है, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, ये आइसोलेटेड है, ये अपने ही कुछ जगहों पर पाए जाते हैं। फिर आते हैं एक्सटिंक्ट, जो अब गायब हो चुके, ख़त्म हो चुके धरती पर, अब ये और कहीं भी पाए नहीं जा सकते, और ये वो एरियाज हैं जहाँ पे पहले ये थे बट अब वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो भी ये आपको नहीं मिलेंगे। तो ये स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हैं, ये हो सकता है लोकल एरिया से एक्सटिंक्ट हो जाए, रीजन से हो जाए, कंट्री से हो जाए, या कॉन्टिनेंट से, या पूरे दुनिया से हो जाए, जैसे कि आपका एशियाटिक चीता है या पिंक हेड डक है, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब ये ख़त्म हो चुके हैं, अब इनकी कोई संख्या नहीं मिली है, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम है। तो जो हमारे कुछ रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनका अगर हम ध्यान रखें तो बहुत अच्छा, जैसे कि निकोबार के जो ये कबूतर है ये आप देख सकते हो, ये बहुत इंडेंजर्ड चल रहे हैं अभी, है ना। कुछ आप इस तरीके के पेड़ पौधे देख सकते हैं जो कि एंडेमिक हैं, ईस्टर्न घाट्स में ही पाए जाते हैं, ठीक है, इसको साइकस कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये कर्नाटका में पाया जाने वाला एक एंडेमिक स्पीसी है जिसे हेट्रोमेट्रस कहते हैं,
ठीक है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पौधे हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसको मैट और बास्केट मेकिंग में यूज़ किया जा सकता है। ये वेस्टर्न घाट्स में मिलता है हमें और इसको ऑचलांड्रा कहा जाता है। इसके अलावा एक फ्रूट होता है ये इस प्रकार का, इसे एक इमेच्योर फ्रूट कहते हैं। ये भी एक थ्रेटेंड है, मेडिकल मेडिकिनल क्लाइंबर होता है ये, और ये जो है ये इसे एम्बलिका राइप्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरे में है। तो ऐसे कई सारे स्पीसीज है जिनको खतरा है और उन्हें बचाने की ज़रूरत है। तो ये खतरा बढ़ता कैसे है, जब हम उनके एड्रेस को, हैबिटेट यानी कि जहाँ वो रहते हैं उनका जो एड्रेस है उसे डिस्ट्रक्शन कर दें, हंटिंग के द्वारा, या उनको पकड़ लिया जाता है, या उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन है या पॉइजनिंग है, फॉरेस्ट फायर का लग जाना, ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिससे इंडियन बायोडायवर्सिटी कमज़ोर पड़ जाती है। और इसके अलावा इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और इसमें देखिए तो सबसे पहली बात है अनइक्वल एक्सेस, है ना, अनइक्वल एक्सेस है। लोग जो है हर जगह पर हर तरीके के जानवरों को और चीज़ों को नहीं पाल सकते या उगा सकते या संभाल सकते, और इसका जो कंजम्पशन है वो भी इनइक्विटेबल है रिसोर्सेज का, है ना। अलग अलग तरीके से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने की ज़रूरत है ताकि हम इन्वायरमेंट की वेलबींग को बनाए रखें। ओवर पॉपुलेशन भी हो रही है हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, इंडिया में भी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, जो कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कुछ ट्राइबल गर्ल्स हैं जो कि बेम्बू के छोटे छोटे पौधों को यूज़ कर रही हैं नर्सरी के अंतर्गत, और ये एक मुखली है जो कि साइलेंट वैली के पास है, वहाँ पर ये काम कर रहे हैं। ट्राइबल महिलाएं कई बार फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करके बेचने भी आती हैं मार्केट में, कई बार ये लोग पत्तों को, लकड़ियों को कलेक्ट करती हैं, तो ये सब काम होते हैं। पर अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये प्रॉब्लम का कारण बन सकते हैं, इसका कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। कंजर्वेशन जो है इस रैपिड डिक्लाइन के बैकग्राउंड में बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में कमी आ रही है, फॉरेस्ट्री में जो कमी आ रही है वो उसे हम ठीक करें। बट क्या ज़रूरत है हमें कंजर्व करने की, हमारे फॉरेस्ट को या हमारे वाइल्ड लाइफ को? कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व भी करता है, लाइफ के सपोर्ट सिस्टम को बनाए रखता है, वाटर, एयर और सॉइल को बनाए रखता है, और जो हमारा इतना बड़ा प्लांट एंड एनिमल्स का एक एक आप कह सकते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जो हमारी जो उनके जीन्स है उनकी बेटर ग्रोथ हो, उनकी अच्छी ब्रीडिंग हो। जैसे एग्रीकल्चर के द्वारा हम क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे पेड़ों को काट रहे हैं, पर अगर हम लोग एग्रीकल्चर में अभी भी ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज़ को देखें तो उसी पे डिपेंडेंट है। फिशरीज जो हैं वो भी अभी हेविली डिपेंडेंट है ऑन मेंटेनेंस ऑफ एक्वाटिक बायोडायवर्सिटी। तो अब ज़रूरत है कि हम इसको और अच्छा बनाएं, हम देखें कि कहीं अगर कमी आ रही है तो उसे ठीक करें, और जो भी स्पीसीज खतरे पर हैं उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। जैसे कि राइनो है एंड डियर है काजीरंगा नेशनल पार्क के, आप देख सकते हैं इनके लिए नेशनल पार्क में क्यों हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं ताकि इन्हें अच्छे से संभाला जा सके और इनको हम खोने से रोक सकें, वरना अगर हम इसे खो देंगे तो फिर सब खत्म हो जाएगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का, हम जानते हैं कि वो बहुत ही अनइक्वल है, और ये बहुत डिफिकल्ट है कि इसे आप मैनेज, कंट्रोल या रेगुलेट करें। इंडिया में तो जितने भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं या तो वो गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज एंड ओन्ड है, या फिर वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा चलते हैं, और इसकी भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, आधे से ज़्यादा जंगल रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में आते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट को आप कह सकते हैं कि ये सबसे वैल्यूएबल है एज़ फार एज़ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न, ये बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया, इसको प्रोटेक्टेड किया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत, और ये फॉरेस्ट लैंड जो है किसी भी तरीके से फर्दर डिप्लीशन से रोका जाता है, इसमें प्रोटेक्शन दी जाती है। फिर आते हैं आपके अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ये दूसरे फॉरेस्ट और वेस्ट लैंड है जो गवर्नमेंट या प्राइवेट इंडिविजुअल या कम्युनिटीज़ के हाथ हो सकते हैं, और सभी लोग मिल करके इसका ध्यान रखते हैं, और कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि हमारे देश में पेड़ पौधों की और जानवरों की, नेचर की वर्शिप होती चली आ रही है, और ये बहुत पुराने टाइम से हो रही है। तो अगर हम इसमें लोकल कम्युनिटी को भी इंक्लूड करेंगे तो वो हमें हेल्प आउट कर सकते हैं। जैसे कि कंजर्वेशन की स्ट्रैटेजीज जो हैं वो हमारी कंट्री में कोई बहुत नई नहीं है, फॉरेस्ट जो है वो कई लोगों का घर है, कई कम्युनिटीज़ का घर है,
और इंडिया के अंदर तो लोकल कम्युनिटीज खुद स्ट्रगल करती हैं कंजर्व करने के लिए इनहैबिटेंट्स को, बल्कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी जहाँ पे मात खा जाते हैं वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज सामने आती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिल करके इन सभी जगहों को रिकॉग्नाइज करके एक लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड के लिए लोगों को हेल्प आउट किया जा सकता है कि आप जंगलों का ध्यान रखें और बदले में जो सरकार है वो आपका ध्यान रखेगी। जैसे कि फेमस चिपको मूवमेंट हिमालय में हुआ था, वो सक्सेसफुल क्यों हुआ? वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होने वाला था, पेड़ों को काटने वाला था, पर लोग जाकर के पेड़ों से चिपक गए, डिफॉरेस्टेशन को रोका। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी ने इस एफॉरेस्टेशन को ध्यान रखा, कम्युनिटी ने इंडिजिनस स्पीसीज का ध्यान रखा और ये सक्सेसफुल रहा। तो ट्रेडिशनल कंजर्वेशन के जो मेथड हैं उसे रिवाइव करना होगा और साथ ही नए मेथड्स को भी डेवलप करना पड़ेगा ताकि इकोलॉजिकल फार्मिंग हो और फार्मर्स और सिटीजन सभी का ध्यान रखा जाए। जैसे कि बीज बचाओ आंदोलन जो कि तेहरी और नवदन्ने में हुआ था, इसने दिखाया कि डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स के प्रोडक्शन के द्वारा बिना किसी सिंथेटिक केमिकल को यूज़ करके इकोनॉमिकली वाइबल प्रोडक्शन किया जा सकता है और खेती में सबको फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। अब हम अपने अगले चैप्टर वाटर रिसोर्सेज की तरफ आगे बढ़ेंगे। वाटर रिसोर्सेज, आप जानते हैं कि पानी की काफ़ी कमी है और पानी का जो यूज़ है वो हर जगह है, तो इसका कंजर्वेशन और इसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है पर जो यूज़ करने लायक पानी है वो बहुत कम है। रिन्यूएबिलिटी है वाटर की, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है इमेजिन करना कि इतने पानी होने के बावजूद पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, पर इसके बावजूद पानी की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो पीने लायक पानी है वो कम है और उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इनइक्वल है। जहाँ पे लो रेनफॉल हो रहा है, जहाँ पे सूखा पड़ रहा है, वहाँ पे हमें ज़रूरत है ध्यान देने की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिज़र्ट राजस्थान का है, वैसा ही पूरा डिज़र्ट बन सकता है हर जगह पर, है ना? आप देखिए, विजुलाइज कीजिए राजस्थान में कैसे मटके में पानी भर भर के दूर दूर से महिलाएं पानी कलेक्ट करके लेकर के आती हैं, है ना? बहुत दूर दूर तक तो ट्रैवल करती हैं। क्यों? क्योंकि भाई पानी के रिसोर्सेज वहाँ पे कम है, तो ओवर अ स्पेस एंड टाइम कई सारे वेरिएशन हो रहे हैं सीजन में और एनुअल प्रेसिपिटेशन में, और पानी की कमी बहुत विजिबल है क्योंकि लोग जहाँ पे पानी है उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उसे गंदा करते हैं, उसे एक्सेसिवली यूज़ करते हैं, और इसी कारण अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में आप देखेंगे कि अनइक्वल एक्सेस है वाटर को लेकर के। आप कह सकते हैं वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। क्यों? क्योंकि भाई पानी तो है हर जगह, पर अगर आप देखो तो पानी हर जगह है तब भी देखो ये बच्चा जो है वो पीने लायक पानी कलेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि पानी हर जगह पर पीने लायक नहीं। कश्मीरी अर्थक्वेक के जो सर्वाइवर थे वो कैसे पानी को यू नो कलेक्ट कर रहे थे, स्नो को कलेक्ट करके फिर वो उसको पिघला के फिर उसको यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब देखिए इसराइल जो है, इसराइल में 25 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, लेकिन यहाँ पे जल की कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग उस वार्षिक वर्षा को हमेशा ध्यान रख के बचा करके चलते हैं, और इंडिया में हमारे पास इतना ज़्यादा पानी होने के बावजूद हम उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। तो अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो दिक्कतें होंगी। आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार एंशियंट टाइम से ही हम कई सारे अलग अलग प्रकार के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स को बनाने में अच्छे हैं, जैसे कि हमने डैम्स, स्टोन के रबल, रिजर्वॉयर्स और लेक्स को बनाया है, एम्बैंकमेंट्स और कैनाल्स को बनाया है इरीगेशन के लिए। डैम्स तो बहुत पुराने समय से बनाए जा रहे हैं ताकि रिवर वाटर को फ्लो होने से या उसके फ्लो को ख़राब होने से रोका जाए। रेन वाटर को भी हम इरीगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज जब डैम्स बनाए जाते हैं तो वो सिर्फ इरीगेशन के लिए नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी बनाए जाते हैं, और इससे वाटर सप्लाई डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए यूज़ की जा सकती है। फ्लड कंट्रोल किया जा सकता है, रिक्रिएशन किया जा सकता है, इनलैंड नेविगेशन किया जा सकता है, फिश ब्रीडिंग की जा सकती है। तो जो डैम्स हैं वो आप कह सकते हैं कि वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे कई सारे यूज़ होते हैं इम्पाउंडेड वाटर के, और इसको इंटीग्रेट किया जाता है विद वन अनदर। एक डैम एक बैरियर होता है अक्रॉस फ्लोइंग वाटर, क्योंकि ये फ्लोइंग वाटर को ऑब्स्ट्रक्ट करता है और उसको डायरेक्ट करता है एक सही फ्लो के लिए। इसको आप रिजर्वॉयर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, लेक के रूप में भी इसका यूज़ हो जाता है, इम्पाउंडमेंट के रूप में, यू नो जैसे कि कहीं पे पानी जमा किया गया है और आप उसे देख सकते हैं, जैसे कि हरिकुट डैम, ठीक है, ये हीराकुट डैम है। डैम का मतलब क्या है? डैम का मतलब एक स्ट्रक्चर है। ज़्यादातर डैम जो होते हैं उनके अलग अलग सेक्शंस होते हैं जिसको आप स्पिलवे कहते हो, और ये वो एरिया होता है जिसमें वाटर फ्लो होता है इंटरमिटेंटली या कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है।
तो वो एक लोग वहाँ घूमने के लिए भी जाते हैं, लोग देखने के लिए भी जाते हैं कि डैम कैसा है, क्या बना है, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। इरिगेशन की फैसिलिटी भी हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं और फार्मर्स अब जो है वाटर इंटेंसिव एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इसीलिए इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे हैं कि हमें पानी को भी बचाना है और सॉइल के सेलिनाइजेशन को भी कम करना है, साथ ही साथ सोशल लैंडस्केप का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो सोशल गैप है रिच लैंडलॉर्ड्स और लैंडलेस पुअर के बीच में वो भी बढ़ता जा रहा है। तो जो डैम्स हैं उससे कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट होते हैं लोगों के बीच में, क्योंकि हर किसी की अपनी यूज़ है, हर कोई अपने अपने बेनिफिट के लिए काम करना चाहता है। ज़्यादातर ऑब्जेक्शन जब आते हैं तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि जब यहाँ पे बनाया जाता है डैम तो वहाँ से कई लोगों को हटाया जाता है, डैम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है फ्लड्स कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, और ये देखने के लिए कि जो रिजर्वॉयर है वो ठीक से काम करें। लेकिन बड़े बड़े डैम मोस्टली अनसक्सेसफुल रहे हैं इन कंट्रोलिंग द फ्लड्स। जब एक्सेसिव रेनफॉल हो जाती है तो बड़े बड़े डैम भी किसी काम के नहीं होते। आइए देखते हैं कुछ नदियों की लोकेशन को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडस रिवर है, ठीक है, यहाँ पे सलाल प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पे बीस रिवर है, यहाँ पे भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया, यहाँ पे तेहरी डैम बनाया गया, यहाँ पे गंगा रिवर है, यहाँ पे यमुना रिवर है, यहाँ पे चंबल रिवर है, यहाँ पे कोटा बैरेज बनाया गया है, यहाँ पे सरदार सरोवर डैम है, यहाँ पे परवरा डैम है, यहाँ पे कोयना डैम है, तुंगभद्रा नदी के आसपास यहाँ पे भी आपको डैम मिलेगा, नागार्जुन सागर के पास भी है, यहाँ पे हीराकुड डैम है, ठीक है। तो ये सब डैम्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथुन डैम है, तिलैना एंड कोनर डैम है, रिहान डैम है, तो ये सब बहुत सारे डैम्स हैं हमारे पास, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं कि मिटूर डैम है, पेरियार डैम है, ये सब डैम्स हैं। लेकिन जब बात आती है ना पानी के फ्लो की तो फिर ये डैम अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप बड़े बड़े डैम बना रहे हैं तो उसमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी हो। कई बार हम देखते हैं कि जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उसका डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा रहता है और उसकी वजह से लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से ही सब कुछ होगा, इसके लिए और भी ऑल्टरनेटिव चॉइसेस हैं। एंशियंट इंडिया में बहुत पुराने पुराने स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे और वाटर हार्वेस्टिंग का बड़ा अच्छा ट्रेडिशनल सिस्टम भी होता था। लोगों को रेनफॉल के बारे में जानकारी थी, सॉइल के बारे में जानकारी थी और उन्होंने वाटर को जमा करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए कई सारे तरीके अपनाए थे। फ्लड वाटर का भी वो लोग ध्यान रखते थे, लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन का भी ध्यान रखते थे, हिली या माउंटेन के एरिया में वहाँ पे लोग डाइवर्जन चैनल बना लेते थे। तो कुल्स या कुल्स को डाइवर्जन चैनल कहा जाता है, जिसे पानी के बहाव को आप थोड़ा सा डाइवर्ट कर देते हो। वेस्टर्न हिमालयाज में एग्रीकल्चर के लिए इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रूफ वाटर की रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होती है, जहाँ पे पानी को छत पर कलेक्ट किया जा सकता है इस तरीके से और फिर उसको पाइपलाइन के द्वारा जोड़ करके डोमेस्टिक या फिर दूसरे एग्रीकल्चरल पर्पज से यूज़ किया जा सकता है। तो मानसून के ऊपर ही सब कुछ आधारित नहीं है, हमारा मैनेजमेंट भी है जिसके ऊपर बहुत कुछ आधारित है, ठीक है। तो रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग होती है रूफ टॉप पर, ये कॉमनली पानी को ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के लिए की जाती थी। पर्टिकुलरली पहले ये राजस्थान में ही था, लेकिन जो फ्लड प्लेन्स है बंगाल के, वहाँ पे भी लोगों ने इन्यूडेशन चैनल्स बनाए और इरीगेशन के लिए फील्ड के लिए इस तरीके के चैनल बना के यूज़ किया है रेन वाटर को। तो जो भी एरिड और सेमी एरिड एरिया होते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चरल फील्ड्स को कन्वर्ट करके रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है और उससे पानी बहुत लंबे समय तक वहाँ पे रिटेन किया जा सकता है, मॉइस्चर भी रिटेन रहेगा। जैसे कि जो खादिन सॉइल होती है उसमें आप आराम से मॉइस्चर रिटेन कर सकते हैं, उसमें अगर गड्ढे बना दिए जाएँ और पानी को प्रिजर्व करने के लिए वहाँ पर कोशिशें की जाए। जैसलमेर में जोहर होते हैं, जोहर जो है इसी प्रकार के छोटे छोटे लेक्स बनाए जाते हैं, ताकि आप कह सकते हो पोखर बनाया जाता है, ताकि जो एग्रीकल्चर के लिए या किसी भी पर्पज से पानी को जमा करना है तो किया जा सके। रेन वाटर को स्टोर करके आप जो है टंकों में भी रख सकते हैं और अगले यू नो नेक्स्ट रेनफॉल तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक रिलायबल सोर्स हो सकता है ड्रिंकिंग वाटर का, तो पर्टिकुलरली समर के मौसम में इसे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो रेन वाटर है या पलार पानी है, ये कॉमनली रेफर किया जाता है कि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर होता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ रूफ टॉप की वाटर हार्वेस्टिंग बहुत कॉमन है, लोग बहुत हद तक ये करते हैं और कोशिश करते हैं कि लंबी सी पाइप से उसको जोड़ करके कलेक्शन करके घरों तक पहुँचाया जा सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुल बनाया गया है, ये ट्रेडिशनल मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, जहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया गया, एक छोटा सा पॉन्ड बना करके सर्कुलर विलेज टैंक बनाया गया। ये काजा विलेज में है
और ये जब भी पानी इससे चाहिए होता है लोग इससे पानी रिलीज करके यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा बैम्बू ड्रिप इरीगेशन, जैसे आप देख सकते हैं जो बांस की लकड़ी है उसको पाइप की तरह यूज़ किया गया, और दूर दूर से कई कई दूर किलोमीटर से जो पानी है उसको लाया जा सकता है। मेघालय में 200 साल से भी पुराना है ये सिस्टम, जहाँ पर जो बहुत दूर कोई टैपिंग स्ट्रीम है या स्प्रिंग वाटर कहीं आ रहा है उसको बैम्बू पाइप से कनेक्ट करेंगे और 18 से 20 लीटर पानी जो है बैम्बू पाइप सिस्टम में आ जाता है और कई सारी फैमिलीज को पानी मिलता है। मतलब आप ये समझिए 20 to 80 ड्रॉप्स पर मिनट एट साइट ऑफ द प्लांट ही आ जाता है। तो बैम्बू के पाइप्स को हम यूज़ करते हैं पेरिनियल स्प्रिंग्स को डाइवर्ट करने के लिए, और हिल स्लोप से ये धीरे धीरे रिलीज होता है। ग्रेविटी के कारण अपने आप ही ये पानी खींचा चलाता है। ये जो चैनल सेक्शन होते हैं ये बैम्बू के बनाए जाते हैं, तो ये इकोलॉजिकली भी बहुत अच्छे हैं। और ये अलग अलग प्रकार के बैम्बू टाइप्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ पाइप बना लिए जाते हैं और उससे फ्लो को पोजिशनिंग करके मेंटेन किया जाता है। ये रोड से भी पास होते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि डाइवर्जन यूनिट्स काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, वाटर का एप्लीकेशन लास्ट स्टेज तक पहुंचता है और फिर पानी जो है लोगों के घर के पास में या प्लांट्स के रूट्स के पास में ड्रॉप किया जाता है। तो अपने आप ही इससे अच्छी वेजिटेशन और अच्छी सारी चीज़ों को इंश्योर किया जाता है। अब हमारा अगला चैप्टर है एग्रीकल्चर के बारे में। इंडिया के लिए एग्रीकल्चर हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है, एग्रीकल्चरली हम एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। 2/3 हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इंगेज है, और आज भी 70% से ज़्यादा लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ पर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, ये फूड के लिए जो हम कंज्यूम करते हैं उसको प्रोड्यूस करती है। फूड ग्रेन्स के अलावा ये बहुत सारा रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ को देती है, बहुत सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती है जिनका रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के लिए जो आ रहा है वो एग्रीकल्चर से ही आ रहा है। तो सिर्फ खाने के लिए ही नहीं बल्कि रॉ मटेरियल के लिए भी ये प्रोडक्शन देती है हमें। तो आप मुझे बताइए कुछ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के नाम, देखती हूँ मैं कमेंट्स में कौन कौन राइट आंसर दे सकता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज जिसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है। लेट मी सी हु इज गिविंग मी द राइट आंसर, आई विल जस्ट चेक। यस, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है आपकी, शुगर इंडस्ट्री, टी एंड कॉफ़ी, यस, बनाना प्लांटेशन होते हैं, है ना, बहुत सारे। पोल्ट्री नहीं, पोल्ट्री क्या होती है, जैसे मुर्गी पालन होता है उसको पोल्ट्री कहते हैं। तो फूड फॉर हेन इट इज़ कमिंग, बट यू कांट से दिस इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मैं इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ। सुकांता राइट आंसर, जूट के बारे में आपने बताया, यस जूट इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही। हाँ तो ऐसे ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका जो रॉ मटेरियल होता है वो कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है। तो इसको एक एक करके समझेंगे। गाइज इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जो भी लोग लाइव हमें देख रहे हैं आप सभी को इस वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि अभी बहुत ही जल्द हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी शुरू होने वाली है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। आप जानते हैं कि सारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज में दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, राइट। और जब ये बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम उस पर आएंगे, विच इज़ वेरी वेरी नाइस बुक, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग टाइप्स ऑफ फार्मिंग डिस्कस करते हैं। खेती करने के अलग अलग प्रकार होते हैं और अलग अलग कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो फार्मिंग जो है वो एक बहुत पुराना सिस्टम है, ये एक एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारे देश की। कल्टीवेशन के कई सारे तरीके होते हैं और उन तरीकों में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि उनके कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, उनके फिजिकल एनवायरनमेंट पे बेस्ड है, उनके टेक्नोलॉजिकल नो हाउ पे बेस्ड है या सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस पर बेस्ड है। फार्मिंग जो है बहुत हद तक वेरी करती है, फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कॉमर्शियल। और अभी प्रेजेंट सिचुएशन में इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में आप देखेंगे कि कई सारे डिफरेंट फार्मिंग सिस्टम्स हैं और उनको प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये एक ऐसी फार्मिंग है जो कि आज भी बहुत सारे इलाकों में प्रैक्टिस की जाती है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में खेती बहुत ही छोटे से एरिया में होती है
और इसमें बहुत पुराने प्रिमिटिव टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हो, डाओ, डिगिंग स्टिक्स। फैमिली के लोग खुद खेती करते हैं, कम्युनिटी लेबर से चीज़ें उगाते हैं, और ये मॉनसून पे डिपेंडेंट होती है, नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंडेंट होती है। जैसे सॉइल में जो चीज़ सुटेबल है वही वहाँ उगाया जाता है, और जो भी कंडीशन क्रॉप्स के साथ होती हैं वो उस हिसाब से ग्रो किया जाता है। इसमें एक स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी है, जिसे झूम खेती कहते हैं। झूम खेती में एक पैच ऑफ लैंड पर खेती करके फिर दूसरे लैंड पर शिफ्ट करते रहते हैं। इसके अंतर्गत सीरियल्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है, जो फूड क्रॉप्स होते हैं खाने पीने के, ताकि फैमिली को सस्टेन किया जा सके। लेकिन जैसे ही सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होती है तो दूसरे पैच ऑफ लैंड पर शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ने यहाँ पे खेती की, इस जगह पे खेती करने के बाद अगले साल दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए, फिर दूसरे लैंड पर खेती की, फिर अगले साल दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए, फिर उसमें खेती की, फिर अगले साल दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए, फिर कई सालों बाद वापस इस लैंड पर वापस आ गए। जब 4-5 साल में इस लैंड की फर्टिलिटी रीगेन हो जाएगी तो दोबारा से हम इस लैंड को यूज़ करेंगे। तो ट्राइबल लोग जो होते हैं ज़्यादातर ये करते हैं, झूम खेती इसे कहा जाता है, ठीक है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन इसे कहा जाता है। तो स्लैश एंड बर्न मतलब झूम खेती की, उसके बाद लास्ट में पराली जला दी जाती है इस तरीके से, और फिर वो जो है खाद की तरह यूज़ करके सॉइल की फर्टिलिटी को दोबारा से रीगेन करने में हेल्प करता है। तो ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। इसमें भी एक होती है इंटेंसिव सबसिस्टेंस। इंटेंसिव सबसिस्टेंस जो है वो उन जगहों पर होती है जहाँ पे हाई पॉपुलेशन प्रेशर होता है लैंड के ऊपर, यहाँ पे लेबर ज़्यादा काम करता है, ठीक है, बायोकेमिकल इनपुट्स इसमें हाई डोजेज डाले जाते हैं, इरीगेशन को भी यूज़ किया जाता है, और फिर हायर प्रोडक्शन ऑब्टेन किया जाता है। फिर आती है आपकी कॉमर्शियल फार्मिंग। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं कॉमर्शियल फार्मिंग के वो क्या है कि आप कॉमर्शियली मार्केट के लिए, बिजनेस के लिए फार्मिंग कर रहे हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न इनपुट्स का डोज डाला जाता है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ किए जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जा सकते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं। HYV सीड्स क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसे सीड्स बनाए जाते हैं जो कि ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकें, इससे प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा हद तक ऑप्टेन किया जा सकता है। लेकिन जो कमर्शियलाइजेशन है वो बढ़ता चला जा रहा है, और कहीं कहीं किसी जगह पर ज़्यादा है, कहीं कम है। जैसे कि राइस एक कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा पंजाब में, पर उड़ीसा में ये एक सबसिस्टेंस क्रॉप है। उड़ीसा में जितना लोग उगाते हैं उतना खुद खा लेते हैं, क्योंकि लोग उसी के ऊपर खाते हैं, वो उस वहाँ की एक स्टेपल डाइट है। ईस्टर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में राइस एक स्टेपल फूड है, लोग उसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। एग्रीकल्चर और प्लांटेशन में क्या डिफरेंस है? देखिए, प्लांटेशन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप का लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, दूर दूर तक किसी एक ही प्रकार की चीज़ की खेती हो रही है, तो उसको प्लांटेशन कहते हैं। तो प्लांटेशन भी एक प्रकार की कॉमर्शियल फार्मिंग है। इस फार्मिंग में एक ही सिंगल क्रॉप को बड़े एरिया में ग्रो किया जाता है। प्लांटेशन जो होता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए और कई सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए एक इंटरफेस है। प्लांटेशन बहुत बड़े लैंड को कवर करता है, इसमें कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स लगते हैं, इसमें बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं जिनको हेल्प मिलती है, ऑक्यूपेशन मिलता है, ये रॉ मटेरियल लेके अलग अलग इंडस्ट्रीज में ले जाते हैं और उसको फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में बेचते हैं। जैसे बैम्बू प्लांटेशन नॉर्थ ईस्ट में बहुत पॉपुलर है, बनाना प्लांटेशन साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर है। अब कॉफी के पैटर्न की बात करें तो हर एक मौसम अलग है और हर एक मौसम में अलग अलग चीज़ उगाई जा सकती है। जैसे रबी क्रॉप्स हैं जो कि विंटर में उगाए जा सकते हैं फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, और इसको समर के समय में भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये अप्रैल से जून के बीच में यूज़ किए जा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स होते हैं जिसमें वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड आता है। फिर खरीफ क्रॉप्स भी होते हैं जो कि मानसून के साथ ग्रो किए जाते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और ये सितंबर से अक्टूबर के बीच में हार्वेस्ट किए जा सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो होते हैं उसमें पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन जैसी चीज़ें आती है। रबी और खरीफ सीजन्स की बात करें तो ये बहुत शॉर्ट सीज़न होते हैं समर मंथ्स में, इसको जायद सीज़न भी कहते हैं। इसमें जो क्रॉप्स होते हैं वो वाटर मेलन है, मस्क मेलन है, कुकुम्बर वेजिटेबल है, फॉडर है, क्रॉप्स है। शुगर केन इसमें आप देखें तो पूरे साल ही उगता है, ऑलमोस्ट अ ईयर, पूरे साल इसको लग जाते हैं तैयार होने में, वो भी जायद सीज़न में उगाया जाता है। तो रबी, खरीफ एंड जायद, ये तीन हमारे क्रॉपिंग पैटर्न सीजन्स हैं इंडिया के अंदर जिसे हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मेजर क्रॉप्स हैं जो इंडिया में उगाए जाते हैं और उनको किस तरीके से उगाया जाता है।
तो जो वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स हैं जो कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में उगाए जाते हैं, वो सॉइल के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर और कल्टीवेशन की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें जो मेजर क्रॉप्स हैं इंडिया के वो हैं राइस, वीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल, सीड्स एंड कॉटन एंड जूट, बहुत सारे और भी हैं। तो अब एग्रीकल्चर आपके सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप तो जानते ही होंगे, और उसमें हर एक प्रकार के क्रॉप्स की जो स्पेशलिटी है या वो कैसे उगाया जाता है उसको लेकर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल हम दोबारा 7:30 PM मिलेंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और कल हम लोग बेसिकली अलग अलग जितने मेजर क्रॉप्स हैं उन सारे क्रॉप्स की डिटेल को कवर करेंगे, ठीक है। और कल कोशिश करेंगे कि ये बुक भी हमारी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो कल सारे मेजर क्रॉप्स डिस्कस किए जाएंगे, उनकी वैरायटी डिस्कस की जाएगी, इसमें मैं आपके साथ देखूंगी कि कौन कौन से क्रॉप्स को कैसे कैसे कंडीशन में उगाया जाता है, और उसके बाद फिर हम लोग मिनरल्स, एनर्जी एंड रिसोर्सेज वाला चैप्टर करेंगे। मिनरल्स, एनर्जी एंड रिसोर्सेज वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे मिनरल्स हैं और इन मिनरल्स को यूज़ करके काफ़ी सारी चीज़ों का एक लेवल ऑफ वर्क होता है। इसको देखेंगे और देखेंगे कि मिनरल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मिनरल्स वाला चैप्टर भी हमारा कल कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके कंजर्वेशन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर अगर फिर भी कोई डाउट अगर बच जाते हैं, कुछ रह जाता है, तो फिर मैं आपके साथ आगे आने वाली क्लासेस में उसको कवर अप कर लूँगी, ठीक है। तो कल मिनरल्स की बात करेंगे, इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे, जितना हो सके कल हम कोशिश करेंगे कि ये हमारा टॉपिक कवर हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइज, आई एल एंड द सेशन हियर, आई एल सी यू गाइज अगेन टुमारो। अब जो है आपके कोई क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं तो आप पूछ लीजिए, इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू आस्क, क्योंकि अब जो है हमारी क्लास को एंड करने का समय आ चुका है। अंत में दोबारा आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आप टॉप 10 का रेफरल कोड यूज़ करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी आपको 10% ऑफ और 3 months का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है, बुक्स मिल रही हैं, एक्सटेंशन मिल रहा है, टेस्ट सीरीज फ्री मिल रहा है, और 18 महीने का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है, 3 महीने इसमें आपको फ्री मिलेंगे। तो ये 12 जनवरी को 2022 को ये ऑफर ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इस ऑफर में इंटरेस्टेड हैं और इससे रिलेटेड कोई जानकारी आप चाहते हैं तो बताइए, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। मुझे बताइए अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके, कुछ अगर आप पूछना चाह रहे हो, ठीक है। और अभी मैं बता दूं कि अभी आई जस्ट गॉट समथिंग न्यू दैट अभी और भी प्राइस कम कर दिया गया, अभी ये 70 से कम करके 63,898 rupees कर दिया गया। वाओ गाइज, अगेन 7,000 rupees और कम हो गए अभी जस्ट, ये ऑफर रिवाइव किया है, अपडेट हुआ है। तो चलिए इसे अपडेट कर लीजिए आप भी अपनी तरफ से, और कोशिश कीजिए कि अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो इस कम प्राइस के साथ आप ले लें, है ना। क्योंकि अगर आपका प्राइस कम हो रहा है, फीस में फ़ायदा हो रहा है, तो यू शुड जस्ट इन्जॉय दिस एंड गो फॉर इट, ठीक है। अब कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन हैं तो पूछ लीजिए आज की क्लास से। हिस्ट्री का एनसीईआरटी कोर्स चैप्टर वाइज नेक्स्ट मंथ कर सकते हैं, यस इनविंसिबल, नेक्स्ट मंथ वी कैन डू इट, ओके। और एक और जो है मैं देख सकती हूँ, देखिए अनअकैडमी पर तो ऑलरेडी मेरा एनसीईआरटी का हिस्ट्री कोर्स चल ही रहा है, ठीक है। और ये क्लास डेली होती है 7:30 PM, ठीक है, ये डेली होती है, डेली चलेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक और मैं क्वेश्चन देख रही हूँ जिसमें एक स्टूडेंट ने पूछा है डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। ये मैंने वैसे पहले भी डिस्कस किया था, नेशनल पार्क ज़्यादा प्रोटेक्टर होता है, वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता, नेशनल पार्क का एरिया बहुत बड़ा होता है, बाउंड्री डिसाइडेड होती है, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है उसकी कई बार बाउंड्री भी डिसाइड नहीं होती और उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउ किया जाता है और ह्यूमन इंटरफेरेंस वहाँ पे कुछ हद तक अलाउ किया जाता है, ठीक है, ये मेन डिफरेंस है, ओके, समझ रहे हो आप। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज भी अलाउड है, उसका मेन एम होता है कि एक पर्टिकुलर फ्लोरा फाउना को बचाना, लेकिन नेशनल पार्क में कोई ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती, वहां पे तो सारा फ्लोरा फाउना या कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट हो, चाहे हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट हो, चाहे ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस के ऑब्जेक्ट हो, हर चीज को वहां प्रोटेक्ट किया जाता है। नेशनल पार्क जनरली पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वो पब्लिक के लिए ओपन होती हैं, राइट। ये सब डिफरेंसेस हैं, वैसे ये तो हमने कल कवर किया ही था,
चलिए कोई बात नहीं, डाउट है तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और कोई डाउट्स है तो बताइए, और कोई क्वेश्चंस अगर आप पूछना चाहते हैं, देयर इज एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो प्लीज आस्क। वेलकम अनिल, वेलकम इनविंसिबल। ओके ठीक है, तो कैन आई एंड द सेशन नाउ अगर कोई डाउट्स नहीं है तो? चलिए फिर आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई विल सी यू गाइस अगेन टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।